क्वेश्चन नंबर हम करने वाले हैं, कहां तक हो गया था हमारा, इस तक हो गया था ना। हाँ ठीक है, लेकर रख लो। कौन सा क्वेश्चन करेंगे, आई आई क्वेश्चन देख लो बेटा। देखो आई क्या कह रहा, 14 का एंड 35 का, एन का मुझे क्या निकालना, एलसीएम का, 14 का और 35 का प्राइम फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, 2 से डिवाइड होगा 7 बार, 7 से डिवाइड होगा 1 बार, यहाँ 5 से डिवाइड होगा 7 बार, 7 का होगा 1 बार। तो 14 के जो फैक्टर आएंगे वो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 7, और 35 के आएंगे मल्टीप्लाई 7। ठीक है, अभी जो जो कॉमन है ना उसको एक ही बार लिखेंगे, उसको एक बार लिख लिया, फिर जो बच्चे हुए हैं 2 हो गया और 5 हुआ, तो एलसीएम हमारा कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर लो, ये आया 17। क्लियर, तो इस तरीके से करना होता है। ये वाला देखते हैं, ये वाला 24 30, तो 24 के करेंगे और 30 के करेंगे, 24 के करेंगे, भैया आंजो सेवा का क्या हुआ, गोपाल आंजो सेवा ने देखो इनको आंसर का चेक करो, समझा दो फिर। हमारी ये प्राइम फैक्टर आई तो एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन आया वो उसे एक ही बार लिखना है। ठीक है, 2 और 3 कॉमन एक ही बार आया, फिर इसमें क्या बचा, 2 बार 2 बचा है, उधर ये क्या बचा है, 5 बचा है, समझ गए। करो मल्टीप्लाई, ये 6 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 120 अब देखो क्या करेंगे हम, के वाला देखते हैं। एक तरीका और है, 64 और 80, इसका एलसीएम क्या हुआ, 64 80 का कर लो फैक्टर, क्या कर लो फैक्टर, एक साथ करेंगे, इसको इरेज करके बताता हूँ। एक साथ कैसे निकाला जाता देख लो, अब देखो 64 लिखा, उसे कट रहा, ये हमारा क्या आ गया, ये फैक्टर हमारे आ गए। एक साथ करना हो तो, एक साथ करना हो तो इस तरीके से करेंगे, सीधा मल्टीप्लाई करना है, एलसीएम के लिए करना है सर, इसमें कॉमन का कोई झंझट नहीं है, सीधा मल्टीप्लाई करना। 2 कितने बार आया, 1 2 3 4 5 6, थ्री का करते तो कितना 8 आता है, फिर 3 का करते 8 करते हैं, ठीक है, इसका इसके साथ करने के जाए 40 आएगा, और 40 मल्टीप्लाई 8 कितना हो जाएगा, कितना आएगा, 320 हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। हाँ देखते हैं के बाद एल को देखते हैं क्या,
एल को एक साथ भी हम कर सकते हैं। अभी मैंने अलग अलग फैक्टर किए थे ना, हम एक साथ भी कर सकते हैं। उठो वहाँ से, चल वहाँ बैठ जाके, ज़्यादा दम मचाता हूँ। बड़ वाली सीट पे और इसका कितना लिखा इसने, इसकी कॉपी से चेक करो, स्कूल वाले से कितना लिखा इसने, क्या लिखा इसने, देखो ज्योग्राफी का पूरा चैप्टर लिखा कि नहीं लिखा, एक कटा ओनली वो नहीं लिखा। अगर हम जाएंगे पेरेंट्स मीटिंग में, देखेंगे एल वाला क्या लिखा, 81 और क्या हमारा 108, इन दोनों क्या निकालना, एलसीएम निकालना। या तो फैक्टर अलग अलग कर लो या एक साथ कर लो। अलग अलग करेंगे तो कॉमन करके लिखा जाता है, एक साथ करेंगे तो कॉमन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो हम एक साथ करते हैं, दोनों को 3 से काटो कितना बचेगा, कितना बचेगा, तो ये जो फैक्टर आएंगे ये हमारे एलसीएम के फैक्टर हैं। क्या है, 3 3 3 3 और 2, ये कितना हो जाएगा 9, ये भी 9, ये 2, ये कितना हो जाएगा 81 मल्टीप्लाई 2 दो बार है ना, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कॉमन लेने का झंझट नहीं है, सीधा हमारा करना है। क्लियर, समझ गए ना, बताइए। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे कौन सा, एम देखेंगे एम। अब इसमें देखो एम में क्या कह रहा, 4, 8 और 10 तीनों को एक साथ लेते हैं, 2 से डिवाइड करो 2 बार, 4 बार 5 बार, 2 से करो 1 बार, 2 बार 5, 2 से करो, ये जो एलसीएम है वो क्या जाएंगे, एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 2 2 5, 8 मल्टीप्लाई 5 यानी ओके सही है। क्या देख रहे, इधर देखो बेटा, समझ में आ गया, मजा आइए। पूरा इसका देख लें, इनका देख लो, सरिया ने लिख दिया। देखेंगे कौन सा हमारा एन वाला, 4 5 7, 2 से काटो 2 बार 5 7, 2 से तो एलसीएम फैक्टर क्या आ जाएंगे, 2 कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 35 कितना आ जाएगा, एन वाले के बाद क्या हो जाएगा हमारा, ओ वाला 2 4 5 6 करो फैक्टर, 1 बार
और 15 क्लियर। उसका उसके बाद पी वाला देखो 4, 8, 16, 64 एक साथ लेंगे, 2 से काटो, 2 बार 4 बार 8 बार 32 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा एलसीएम 64 ठीक है क्लियर। अरे ए बी सी डी ई एफ इनको भी देखते हैं, समझ में आ गया? ये लिखना है होमवर्क का भी, सी थर्ड वाला समझा देंगे घर से, दोबारा से ये लगा के आएंगे जिन बच्चों के गलत थे, जिन बच्चों का एक भी गलत था वो सब दोबारा से लगाएंगे। यहां से लगाएंगे ट्वेल्व सिक्सटीन एटीन, 2 से काटो 6, 8, 9 2 से काटो 3, 4, 3, 9 2 से काटो 8, 8 कितना हो जाएगा 6, 3 कितना हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई 8 कितना हो जाएगा 144 एलसीएम कितना आ जाएगा 140 क्लियर। बी वाला देखो इधर बैठो बैठो सामने देखो रे मार खाने के यहाँ पे 7, 21, 28 इधर 7 से काटो 1 बार 3 बार 4 बार 2 से काटो 3 बार 7 है बेटा वो 7 है क्या लिखना नहीं है 7 कितना हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई 6 कितना हो जाएगा 84 समझ में आ गया 84 वाला देखेंगे देख लो बेटा कैसे किए जाते हैं। ए सामने बैठ सामने क्या मार खाएगा क्या है रेडी 42, 63 2 से काटो 15, 21, 63 नहीं करेगा 3 से काटो 5 बार 7 बार 21 बार 3 से काटो 6 15 और 7 तो 15 से 120 90
19 मल्टीप्लाई 7 कितना आ जाएगा? क्या चाहिए? और वहां से यहाँ बैठ, इस कोने में मर जाएगा मेरे हाथों से, बता दे रहा तू मनिया। यार फैक्टर पे ध्यान दो, कल अगर होमवर्क नहीं मिला तो काट देंगे घर के सबको। क्वेश्चन नंबर हमारा ई, कौन सा था? सी ए था, डी वाला 72, 96, 120। फैक्टर करो एक साथ, ये टू से डिवाइड होगा, टू से कम। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 3 का कितना हो जाएगा? 12 कितना हो जाएगा? 15 8 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 15 ये आंसर। अब ये दो है ना, ये अपनी साइड से करने हैं खुद, ये होमवर्क है। थिंक एंड आंसर, सोचना है और आंसर देना है, तो कल बताएंगे। पूछना है उनसे देना। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा, इनका आंसर देखो मैं समझा दे रहा हूं। उधम ने बचाओ, आरब क्या हो गया भाई, इनका हो गया पहले पहले भाई। इफ वन नंबर इज डिवाइड बाई एन अदर नंबर, व्हाट इज द एलसीएम? कह रहा एक नंबर दूसरे नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो क्या होगा एलसीएम, क्या होगा सही एलसीएम? आंसर क्या होगा? आंसर उनका क्या था? डिविडेंट, डिविडेंट का जिसमें हम डिवाइड दे रहे हैं, मतलब एक नंबर दूसरे नंबर से डिवाइड हो रहा है, यानी कि 3, यानी कि 3 6 से डिवाइड हो रहा है, यानी एक नंबर दूसरे से डिवाइड हो रहा है, ये नंबर इससे डिवाइड हो रहा है, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा, तो उसका एलसीएम क्या होगा? आप किसमें डिवाइड दे रहे इसमें, तो ये क्या है? डिविडेंड। तो क्या होगा उसका आंसर, क्या होगा डिविडेंड, क्या होगा हमारा? डिविडेंट बी का आंसर देखो, एल इज द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अगर एलसीएम उनका उनके प्रोडक्ट के बराबर है, यानी कि हमने 2 और 3 का हमने एलसीएम निकाला, एलसीएम निकाला तो कितना आया? 6। और वो दोनों नंबर के बराबर भी है, बराबर है, तो बताइए क्या होगा? तो लिखना पड़ेगा व्हेन दे कॉमन नो कॉमन फैक्टर व्हेन दे आर द प्राइम नंबर, तो क्या होंगे बोलो? अगर उनमें कॉमन नो कॉमन फैक्टर, अगर दोनों में कॉमन फैक्टर नहीं होगा, भाई उधम कितना मच रहा है, नो कॉमन फैक्टर, फैक्टर किसका चेक हो रहा है? तुम क्या कर रही हो? जाओ जाओ, तुम अपनी जगह बैठो जाकर। तुम्हारा क्या हो रहा? अगर उनमें कोई भी दोनों नंबर में कॉमन फैक्टर नहीं है, अगर दोनों में कॉमन फैक्टर नहीं है तो क्या होंगे? दोनों प्राइम नंबर ही तो होंगे, क्या होंगे? बोथ आर प्राइम। सी वाला देखो, पढ़ो सी वाला,
why cannot you find the greatest common multiple of बराबर नंबर? कह रहे हैं हम कॉमन मल्टीपल क्यों फाइंड नहीं कर सकते, कह रहे ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल क्यों फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि वो इनफाइनाइट तक भी जा सकता है, कह रहा बिकॉज दे आर इनफाइनाइटली मैन कॉमन फैक्टर, तो कह रहे उसमें क्या लगते सी में उसके पास क्या हो गया इनफाइनाइट इनफाइनाइटली मैनी कॉमन फैक्टर कॉमन ऑफ अ ग्रुप ऑफ नंबर। वो कह रहा है कि हम हमें बताइए हम ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड क्यों नहीं कर सकते उनके जो कॉमन मल्टीपल इनफाइनाइट तक जाएंगे तक नहीं। Tell the whether LCM of a group number can smaller than any two number in a group. कह रहा है दोनों में से स्मॉलर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या इसमें लिखा है ऐसा क्या लिखा डी वाला LCM है LCM the LCM no LCM group of number can be equal to one or more। कह रहा है डी वाला हमारा ये कह रहा है कि अगर टेल वेदर एलसीएम ऑफ ग्रुप नंबर स्मॉलर तो किसी का भी एलसीएम निकालेंगे किसी भी का एलसीएम निकालें या तो दोनों नंबर के बराबर होगा किसी के या उससे बड़ा होगा। जैसे मान लो हमने सिक्स का और 15 का क्या निकाला है एलसीएम निकाला, या तो एलसीएम इन दोनों के किसी नंबर के बराबर होगा ये ऐसे बराबर होगा इससे छोटा नहीं होगा ठीक है। तो नो डी में क्या आ जाएगा नो ठीक है। डी वाला देखो हाउ डज द एलसीएम डिफर फ्रॉम द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट देखो लीस्टेस्ट कॉमन अरे उल्टा लटका देंगे यहीं पे क्या उसका है क्या बात कर रहा क्या डिफरेंस है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ये ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है ठीक है। तो ये हमारी एक्सरसाइज हो गई फिनिश और ये होमवर्क ले लो घर के लिए।